कोई न्यूज़ या आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो सच में हम उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं या जो सामने है उसी को सच मानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं Amazon Prime की वेब सीरीज हश हश। देखिए, ये एक थ्रिलर और सस्पेंस वाली वेब सीरीज है, तो मैं बिना स्पॉयलर्स के ये पूरा रिव्यू दूंगा। जैसा हर एक थ्रिलर स्टोरी में बिना समय गवाए एकदम सब फास्ट पेस होता है, वैसे ही ये सीरीज भी चालू होती है। इशी एक पावरफुल लॉबिस्ट है जो करप्शन के लिए नेशनल टीवी पे छाई है, जिससे उसके तीन दोस्त हैरान रहते हैं। उसमें से एक जायरा, एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर है, डॉली जो बड़े खानदान की बहू है, और साइबा एक पत्रकार थी लेकिन अब एक हाउसवाइफ है। ये सब गुड़गांव में एक अल्ट्रा पॉश सोसाइटी में रहते हैं। सबकी सो कॉल्ड नॉर्मल जिंदगी चालू रहती है, लेकिन एक के बाद एक दो खून के बाद सब अनसेटल्ड हो जाता है। इन मर्डर्स से इन चारों का क्या रिलेशन होता है, ये मर्डर्स किसके होते हैं, ये खून है या आत्महत्या, यही है ये वेब सीरीज की कहानी। दोस्तों, मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। पॉजिटिव्स, ये वेब सीरीज का आइडिया स्टोरी ऑन पेपर बहुत अच्छा है। चार स्ट्रॉन्ग औरतें सोसाइटी के प्रेशर के साथ ये ट्रेजेडी से उनका जुड़ना उनकी लाइफ और मुश्किल कर देती है। क्रिएटर तनुजा चंद्रा इस खेल की पुरानी खिलाड़ी है। उन्होंने उनका करियर दुश्मन और संघर्ष जैसी थ्रिलर फिल्मों के साथ शुरू किया था। आपको याद है आशुतोष राणा के वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। उनकी राइटर्स की टीम में जूही चतुर्वेदी जैसी राइटर है जिन्होंने पीकू और अक्टूबर जैसी बेहतरीन फिल्में लिखी है। तो दोस्तों, बैकएंड तो बहुत तगड़ा था। जिस तरह से गुड़गांव की पॉश सोसाइटी और वो माहौल क्रिएट किया है, वो देख के वहाँ के लोग तो अप्रिशिएट करेंगे ही, लेकिन जो कभी वहाँ पे गए नहीं वो भी वो जगह वहाँ के सॉफ्ट पावर वाले लोग उनका अंदाजा ले सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो जितना भी रोल मिला है जूही चावला ने एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। जो पावरफुल कैरेक्टर कुछ सीन में चाहिए था वो तो नहीं हो सका, लेकिन जो इमोशनल सीन थे वहाँ पे वो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाई है। उनके बाद आयशा झुलका का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। जूही चावला और आयशा झुलका के जो सीन्स है उनमें उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। सोहा अली खान और कृतिका कामरा ने भी अपने अपने रोल अच्छे से निभाए हैं। हाई सोसाइटी में रहना सब बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से एक ट्रैप जैसा फील होता है, ये सब अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। करिश्मा तन्ना का हरियाणवी कॉप का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और उस कैरेक्टर में काफी सारे पहलू थे। और छोटे छोटे रोल में दो वेटरन एक्टर्स बेंजामिन गिलानी और विभाज चिब्बर, दोनों ने भी पावरफुल परफॉर्मेंसेस दिए है। निगेटिव्स, एंटी क्लॉक अप्रोच, मतलब स्टार्टिंग में ही एंड दिखाना और फिर वो कैरेक्टर वो स्टोरी वहां तक कैसे पहुंची, वो फ्लैशबैक के साथ प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये सब एक साथ दिखाना, इन सब में डायरेक्टर श्रीराम राघवन का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, जिन्होंने जॉनी गद्दार, एक हसीना थी और रिसेंटली अंधाधुन जैसी फिल्में दी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उसके लिए एक अलग ही टैलेंट होना जरूरी है, क्योंकि लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या हुआ है, तो बाकी फ्लैशबैक और प्रेजेंट की स्टोरी सब ऐसे हार्ड हिटिंग होना चाहिए, और यही पे ये वेब सीरीज थोड़ी मार खाती है। कैरेक्टर ऐसे सिंगल सिंगल इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जब साथ आते हैं तो डिस्कशन के अलावा कुछ नहीं करते और स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ पाती। शायद राइटर्स थोड़े कंफ्यूज थे कि दिखाना क्या है एग्जैक्टली। बहुत कुछ एक ही स्टोरी में दिखाना है उनको, हाई क्लास सोसाइटी, सॉफ्ट पावर, लेस्बियन कपल, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस, और भी बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश की है। ये नहीं है कि मत दिखाओ, बट मल्टीटास्किंग नहीं हो पाई यहाँ पे। जब एक पहलू दिखाते हैं तो दूसरा सफर करता है। कोई भी कैरेक्टर बिना मतलब आता है जाता है, मतलब आई नो कि कैरेक्टर बिल्डअप के लिए, कैरेक्टर डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर डेवलप करने के लिए अननेसेसरी कैरेक्टर्स घुसाए हैं। करिश्मा तन्ना का कैरेक्टर थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, बीच में ही हरियाणवी एक्सेंट और बीच में ही नॉर्मल हिंदी। शाहना गोस्वामी का कैरेक्टर भी थोड़ा अनकुक्ड, थोड़ा रॉ था, मतलब उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग मार खा गई। बिहाइंड द कैमरा और फ्रंट ऑफ द कैमरा इतनी अच्छी टीम थी, कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा और अच्छा डिजर्व करती थी वो भी और हम भी। दोस्तों, फाइनली ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस है तो जरूर देखिए, वरना छोड़ दीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। सी यू सून दोस्तों।